गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक कोलेस्ट्रॉल का सवाल है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप खतरे में हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में 25 प्रश्न आते हैं। मैं क्या खाऊं, मैं किस तरह का उसे कुक करूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करूं, मैं किस समय खाना खाऊं, किस समय खाना नहीं खाऊं, मैं डॉक्टर के यहां जाऊं, दवाई खाऊं, कितनी दवाई खाऊं और कब तक खाऊं, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं। आज मैं कुछ इन एंगल्स के बारे में बात करूंगा कि कुकिंग में आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, आपको खाना किस टाइम पर खाना चाहिए, एंड लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने की जरूरत है। यह साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें और शेयर करें। नाउ कुकिंग टिप्स को आप ध्यान से देखिए। जब आप खाना कुक करते हैं तो वास्तव में आपको जो मीट का कंटेंट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसका फैट का जो कंटेंट है मीट में, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसलिए अगर आप मीट यूज करते हैं तो आपको लीन कट मीट यूज करने की जरूरत है, उसमें जो विजिबल फैट है उसको टोटली अलग करने की जरूरत है। दैट्स नंबर वन। जो फैट है उसको ट्रिम करने की जरूरत है और स्किन एकदम अलग करने की जरूरत है बिफोर सर्विंग, सो दैट फिट को जो फैट है वो बिल्कुल ना जाने पाए। अगर हम अलग अलग जो मेथड्स को देखें, जो इंपॉर्टेंट है, तो जो ग्रिलिंग है इज इंपॉर्टेंट, ब्रॉयलिंग है इज इंपॉर्टेंट, रोस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ये तीनों जो मेथड्स हैं ये ऑप्ट करने चाहिए रादर देन डीप फ्राइंग इन बटर और ऑयल। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन चीज लेते हैं या मीट लेते हैं तो इसको डीप फ्राई करने के बजाय, बटर या घी में जो डीप फ्राई करने के बजाय, आपको ऑप्ट करना चाहिए फॉर ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग और रोस्टिंग। इससे इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट ठीक रहेगा, इसमें सैचुरेटेड फैट ऊपर नहीं जाएंगे एंड एक हेल्दी प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। नाउ लुक एट द हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं तो दिस इज गो गो, मतलब इन द सेंस कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या प्लांट बेस्ड जितनी इस तरह के जो मटेरियल हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए आपको हेल्प करते हैं। लेकिन आपको देखना है कहीं आप इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल के तो नहीं खा रहे, ऐसा तो नहीं है कि शुगर मिला मिला के खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इनके ऊपर बटर डाल रहे हैं या कोनेला ऑयल डाल रहे हैं, ये सब नहीं करने की जरूरत है। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो उनमें साल्ट की जरूरत नहीं है, उनमें शुगर की जरूरत नहीं है, उनमें बटर की जरूरत नहीं है। आप वेजिटेबल बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, साल्ट मिनिमाइज करिए, शुगर को कोई काम नहीं है, इन इस तरह की चीजें जैसे बटर है, कैनोला ऑयल है, इनको अवॉइड करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आप बीन्स खा रहे हैं, लेग्यूम्स खा रहे हैं या लेंटिल्स खा रहे हैं, उसमें भी अगर आप इस तरह के स्वीट सॉस, फैट, बटर, घी, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वास्तव में जो बेनिफिट्स हैं आप लेग्यूम्स एंड बीन्स, उनको आप डिप्लीट कर रहे हैं एंड आप अननेसेसरी चीजें अपनी बॉडी में भेज रहे हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करेंगी। नाउ जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट पर और दूसरी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका टेस्ट एनहांस हो, टेस्ट बेटर हो और खाने में आपको अच्छा लगे और टेस्टी लगे, इन चीजों को देखिए ध्यान से। आप सभी स्पाइसेस यूज कर सकते हैं, आप जो स्पाइसेस यूज करेंगे खाना चटपटा होगा, आप स्पाइसेस यूज करेंगे खाना टेस्टी होगा। अगर स्पाइसेस यूज करेंगे ये आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर की तरफ रखेगा, जो स्पाइसेस हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो स्पाइसेस यूज करिए, उसे आपको टेस्ट मिलेगा। तो बहुत सारे जो पॉपुलर हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, ये वास्तव में आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये आपका जो एलडीएल है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, उसको नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। और इस तरह की स्पाइसेस फ्री रेडिकल से लड़ती हैं, तो इसलिए आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हर्ब्स में, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इन पर्टिकुलरली जो गार्लिक है, गार्लिक आपको टेस्ट देता है, गार्लिक आपको न्यूट्रिएंट्स देता है एंड गार्लिक आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, इसको आपको यूज करना चाहिए। ऐसे ही जो जिंजर है या अदरक है या सिनेमन है, ये उस तरह की स्पाइसेस जो टेस्ट देती हैं, इन आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हैं, इनमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्हें आपको हमेशा यूज इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब आप इन्हें इस्तेमाल करें, इनको आप बेक्ड आइटम बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि ना तो बटर इस्तेमाल हो, ना बहुत हैवी ऑयल इस्तेमाल हो, ना लार्ड इस्तेमाल हो, ना घी इस्तेमाल हो, अदरवाइज जो बेनिफिट्स हैं आप स्पाइसेस या गार्लिक या जिंजर, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नाउ
किस टाइम आपको खाना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो कुकिंग के क्या टिप्स हैं, ये पिछले तीन स्लाइड्स में सुनिए आपने। नाउ लुक एट द टाइम टू ईट। नाउ रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि वो लोग जो रात में ज्यादा खाते हैं, जो डिनर लेट लेते हैं या डिनर हैवी अमाउंट में लेते हैं, उनकी बॉडी में जो LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि आप रात में खाने की आपको ज्यादा आदत है, आपको लेट डिनर करने की आदत है, आपको डिनर में ज्यादा अमाउंट के जो ना खाना खाने की आदत है, तो मान के चलिए कि LDL कोलेस्ट्रॉल या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दोस पीपल जो डे टाइम में ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो डिनर हो वो जितना जल्दी हो जाए एंड वो जितना लाइटर हो जाए। ये जो स्टडी थी वॉज पब्लिश्ड इन 2019। तो स्टडी ने बोला कि इन कंपैरिजन टू दोस पीपल जिन्हें दिन में जो दिन में खाते हैं, उन कंपैरिजन टू दोस जो रात में जाना खाते हैं, रात में खाने वालों का LDL कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ था। नाउ एक और स्टडी थी कि क्या आप खाना छोड़ते हैं या मील को स्किप करते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे फर्क पड़ता है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मैं उसकी बात करता हूं। ऑल दोस पीपल जैसे कोई ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, उनके उसमें क्या फर्क पड़ता है। जो स्टडीज हैं उनने ऐसा माना कि अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट आप नहीं करते हैं, तो आपका LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऑल दोस पीपल जिनने डिनर को स्किप किया या डिनर बिल्कुल ही नहीं लिया बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोलेस्ट्रॉल एकदम ठीक रहेगा। ये बात सही है कि उनका जो रेशो है HDL LDL का वो बेटर मेंटेन होता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो थोड़े ऊपर ही रहते हैं। तो इसलिए डिनर आपको अर्ली लेना है, डिनर आपको स्मॉल अमाउंट में लेना है, लेकिन स्किपिंग डिनर इज नॉट रिकमेंडेड। जो स्किपिंग ब्रेकफास्ट है इज नॉट रिकमेंडेड। तो इसलिए अमाउंट आपको जो है ना चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन स्किपिंग मील इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। नाउ जो कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट या जो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसे आपको कितने दिन फॉलो करने की जरूरत है? क्या ऐसा है कि इसको 15 दिन फॉलो करें, महीने भर फॉलो करें, या तब तक फॉलो करें जब तक कोलेस्ट्रॉल नीचे ना आ जाए, और एक बार कोलेस्ट्रॉल नीचे आया तो फिर सब कुछ खाना चालू कर दें? ये नहीं है। एक बार आपने परिवर्तन किया, आपको रिजल्ट मिला, आपको जो अपने गोल आपने मांगा था या चाहा था वो मिल गया और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, तो वास्तव में ये जो चेंज आपने किए हैं जिससे आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिला, इसे आपको लॉन्ग टर्म में फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप फिर पुरानी डाइट पे चले गए, रोज आपने गुलाब जामुन, जलेबी, डीप फ्राइड आइटम, समोसे ये खाना चालू किए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए जब आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर है, आपने अपनी लाइफस्टाइल डाइट को चेंज किया, उससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आया, तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि ये जो इस तरह के जो चेंजेस आपने किए हैं, ये वास्तव में आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, इसको टेंपरेरी फिनोमेनन नहीं बनाना चाहिए। नाउ इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें, उनसे कंसल्ट करके आप अपनी जो डाइट है उसको एक बिल्कुल ठीक ऑप्टिमाइज करके हेल्दी प्रोफाइल बनाएं। इन ये बात सही है कि अगर आप प्लान को स्टिक करेंगे तो यह बात सही है कि आपके हार्ट की हेल्थ ठीक रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहेगा, इन आपके अदरवाइज जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज प्रोसेस के लिए, उससे आप दूर रहेंगे। और इस तरह के जो चेंजेस हैं जो आप डाइट में करते हैं, उसके साथ आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा वेट लूज कर लेते हैं, तो वास्तव में आपके पूरी की पूरी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डिसवेट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। नाउ अगर आपके जो लेवल्स हैं कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा हैं, से फॉर एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रॉल 400 प्लस है, आपके ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ऊपर की तरफ है, तो अकेली फिजिकल एक्टिविटी, अकेले डाइटरी चेंजेस इससे काम नहीं चलेगा, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इन जो डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पर्टिकुलरली जो स्टेटिंस करके जो दवाइयां होती हैं वो आपको यूज करने की जरूरत है, एंड उसके अलावा जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको वॉच करने की जरूरत है कि वो दवाइयों से कंट्रोल होता है कि नहीं। नाउ देयर आर सर्टेन मोर कंसीडरेशंस जो मैं चाहता हूं कि आप एक जगह देखें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी डाइट में चेंज करने का, तो आपको दो तीन चीजों ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपको अपने किचन में ध्यान देना पड़ेगा, इन आपके खाने में क्या प्रेफरेंसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री आपको अपनी डाइट
इन लाइफस्टाइल, उसको वास्तव में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको आप मैनेज करेंगे तभी आप लंबे समय तक इसको स्टे कर पाएंगे। नाउ जितनी भी डाइट्स ऐसी हैं जो स्ट्रिक्ट डाइट्स हैं, चाहे वो एटकिंस डाइट हो, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक डाइट हो, ये कुछ तरह की डाइट्स हैं जो आपके फूड आइटम्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ब्लैक करके चलती हैं, ब्लॉक करके चलती हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। ये जो डाइट्स हैं दे आर वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टिव, इसलिए इनको लंबे समय तक फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को ध्यान से देखें तो आप इसको बहुत वेरिड एंड बैलेंस्ड बना सकते हैं। जितने भी फ्रेश प्रोड्यूस हैं, इन द सेंस कि जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो 100% परमिसेबल है, आप लाइए, बनाइए, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लीन मीट्स हैं वो एब्सोल्युटली परमिसेबल है, उन्हें आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लो फैट डेरी आप यूज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इन कंपैरिजन तो दोज डाइट जो बहुत रिस्ट्रिक्ट करके चलती हैं, बहुत कंपार्टमेंट्स बना के चलती हैं, आपको बहुत बैन लगा के चलती हैं, इन कंपैरिजन टू दोज ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है ये कुछ ऐसी है जो आप इजिली फॉलो कर पाएंगे, इजिली फॉर्मुलेट कर पाएंगे एंड एंजॉय करेंगे इन अ हेल्दी डाइट प्लान। इसके अलावा ये जो डाइट है उसमें कुछ चीजों को लिमिट करने की जरूरत पड़ेगी। जितने भी हाई फैट आइटम्स हैं उनको जरूर लिमिट करने की जरूरत पड़ेगी, शुगर्स हैं उनको जरूर लिमिट करने की जरूरत पड़ेगी, जितने भी हाई कैलोरी फूड हैं उनको जरूर लिमिट करने की जरूरत पड़ेगी। नो इन सब चीजों को अगर आप अलग करेंगे, दैट मींस के हाई फैट को अलग करेंगे, हाई शुगर को अलग करेंगे, हाई कैलोरी को अलग करेंगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल के अलावा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। इन द सेंस कि कोलेस्ट्रॉल तो मैनेज हो गई होगा, लेकिन इसके अलावा आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी, इसके अलावा आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, इसके अलावा आपका कुछ वजन कम हो जाएगा, वेट मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को ध्यान से देखें कि उसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम इनकॉर्पोरेट करने की बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स एंड लो फैट डेरी, ये तीन चीज ऐसी हैं जो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करिए। सिर्फ हाई फैट जो आइटम्स हैं, हाई शुगर जो आइटम है, इन हाई कैलोरी फूड है, इनको अलग कर दीजिए। इनको अलग कर दीजिए तो कोलेस्ट्रॉल के अलावा बाकी बहुत सारी चीजों में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करना है तो डाइट एंड लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस चाहिए। कुकिंग किस मेथड से हो ये इंपॉर्टेंट है, आप किस समय खाना खाएं, आप मील स्किप करें कि नहीं करें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप फ्रेश प्रोड्यूस ज्यादा खाएं ये इंपॉर्टेंट है। इन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, बट इसके अलावा आपका बीपी कंट्रोल होता है, आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपका वेट मैनेज हो जाता है। तो इसलिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट में कुछ लाइफस्टाइल, कुछ कुकिंग आइडियाज, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।